हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम्पियर सर्किट लॉ के बेसिक्स सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एम्पियर सर्किट लॉ। माय नेम इज़ हितेश शर्मा एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप इज़ म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ओके, सो वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर द लूप। मान लेते हैं यहाँ इन सारे करंट्स की वजह से कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर B1, तो B1 और DL1 का डॉट। सिमिलरली यहाँ मान लेते हैं कुछ फील्ड आ रही है B2, B2 और DL2 का डॉट। यहाँ डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला है, और इन सारी वैल्यूज़ को जो छोटे छोटे डीएल और उन पॉइंट्स पर बी का डॉट प्रोडक्ट आपको पूरे लूप का देगा, उसको आप बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ओवर द लूप। ओके, और वो कितना है? वो म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड है। इसमें खास बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सारे करंट्स की वजह से है, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है, मगर जो इसकी वैल्यू है बी डॉट डी एल की, वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले करंट्स पे डिपेंड कर रही है टोटल वैल्यू। ठीक है, पूरे लूप के लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ एनक्लोज करंट पे डिपेंड कर रही है, ना कि आउटसाइड करंट्स पे। ओके, तो इसके एप्लीकेशन सीखते हैं। फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कर्व सरफेस एज शोन। आपको लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। ऑब्वियसली देर आर टू थ्री करंट्स एनक्लोज, सो टोटल आई एनक्लोज टोटल इज 5 and 3 8 एंड -2। इनवर्ड करंट को हमने नेगेटिव मान लिया, तो 5 और 3 8 और -2 किया तो 6 एम्पियर आउटवर्ड करंट है। तो बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज लूप विल बी म्यू नॉट टाइम्स इंटू 6। ओके, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के ऊपर किसकी वजह से है? वो सब की वजह से है, ड्यू टू ऑल करंट, चाहे वो 3 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, 5 एम्पियर हो, 4 एम्पियर हो या 6 एम्पियर हो, बाहर वाले करंट भी और अंदर वाले करंट भी, सबकी वजह से कुल नेट मैग्नेटिक फील्ड इस एम्पियर्स लूप पर है। मगर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सारे करंट्स की वजह से है, मगर इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी पूरे क्लोज लूप के लिए वो सिर्फ अंदर वाला करंट मिलकर डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लूप में, इसको एम्पियर्स लूप बोलते हैं, इस लूप में एक करंट एनक्लोज्ड है विच इज डिनोटेड बाय आई इन, और एक आउटसाइड करंट है विच इज डिनोटेड बाय आउट आई आउट। आपको बताना है अगर मैं आई इन बदलूं तो इनमें से क्या क्या बदलेगा और क्या नहीं। तो आई इन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड एट लूप बदलेगी, यस इट विल चेंज। बी डॉट डी एल फॉर अ स्मॉल पोर्शन, मान लेते हैं इस पोर्शन की बात की जा रही है, अगर मैं आई आउट को बदलता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो इस छोटे से पोर्शन से जो बी डॉट डी एल की वैल्यू आएगी वो भी बदल जाएगी। मगर पूरे लूप से अगर बात की जाए, फॉर कंप्लीट लूप देर विल बी नो चेंज इन बी डॉट डी एल, बिकॉज आपने करंट आउटसाइड बदला है, अंदर वाला वही है। ठीक है, पूरे लूप के लिए सिर्फ अंदर वाला करंट रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर सॉरी, ये आई इन चेंज करने पर है, तो आई इन चेंज करने पर तो ये भी बदल जाएगा। ओके, आई इन चेंज करने पर ये भी बदलेगा, फील्ड सब बदलेगा। आई आउट चेंज करने पर सिर्फ फील्ड और बी डॉट डी एल फॉर अ स्मॉल पोर्शन बदल जाएगा, मगर यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से होता है। ओके, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इफ बी डॉट डी एल ओवर कंप्लीट लूप इज जीरो, देन बी एट द लूप मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो।
जैसे कि मान लेते हैं ये एक लूप है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है मगर बाहर एक करंट बैठा हुआ है, कुछ IMP है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इस लूप पर, यहाँ यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन। तो फील्ड तो है मगर B.dl की वैल्यू पूरे लूप के लिए जीरो होगी, ऐसा होने के बावजूद भी फील्ड लूप जीरो होना जरूरी नहीं है। नेट करंट एनक्लोज बाय द लूप मस्ट बी जीरो, यस इट इज मस्ट बी जीरो बिकॉज दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, सो एनक्लोज करंट मस्ट बी जीरो। इन द नेक्स्ट पार्ट, इफ बी इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लूप देन P.dl, अब आपने बोला हर जगह पर बी जीरो है, यहाँ भी बी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, हर जगह पर बी जीरो है, तो आप B.dl जब लेंगे छोटे छोटे पोर्शन का तो भी B.dl जीरो आएगा सारे पोर्शंस का, क्योंकि फील्ड हर जगह जीरो है एट ऑल द पॉइंट्स, सो ऑब्वियसली B.dl विल बी जीरो फॉर श्योर, मस्ट बी, एंड नेट करंट एनक्लोज्ड विल ऑल्सो बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ओके, क्योंकि B.dl हो गया तो आप सीधे सीधे नेट करंट एनक्लोज की वैल्यू बता सकते हैं जीरो होगी। ओके,